इसमें बुराई का माना होता है। इसी तरह ताजियत पर आए तो हम क्या करें, तो ताजियत पे आने वाला सबसे पहले दिलासा दे, सब्र की तलखीन करें, दुआ दे, जो हम देख चुके हैं कौन कौन सी दुआएं दे सकते, दुआ दे, ज़्यादा देर ना बैठे, हमारे पास आ रहे ताजियत को तो प्लानिंग से आ रहे, इतवार के दिन जाएंगे ताजियत को, छुट्टी का दिन है, सुबह आराम से नाश्ता करके जाएंगे, दोपहर का खाना वहीं पड़े हुए हैं, शाम का खाना वहीं पड़े हुए, क्यों तो बोले ताजियत कर, तो ये कौन सी ताजियत। हाँ, कुछ ऐसे नज़दीकी रिश्तेदार जो दूर से आ रहे हो या बहुत करीबी रिश्ता हो और संडे को छुट्टी है तो आप मिलकर एक दूसरे के साथ बैठेंगे, ये तो समझ में आ रहा मुझे, लेकिन हर आरा गैरा बोल रहा कि चलो जाएंगे, और बेचारे खाना बना बना के उनकी उनकी मैयत निकल जा रही, मतलब जिंदा लोगों की, इतने लोग आ जा रहे। अच्छा, नहीं खिलाया तो भी एतराज़, देखो खाली अपने खाना खिलाया, चाय वाय को पूछेंगे, मीठा मीठा तो कुछ खाएंगे, कोई तरीका ही इतने दूर से आए, तो एक्सपेक्टेशन भी इतने हाई होते इसी को इंतजार, तो ये नहीं, मुख्तसर बैठे और निकल जाए। इसी तरह ताजियत के नाम पर जो इंसान